हाई स्टूडेंट्स दिस इज योर ऑनलाइन लेक्चर फोर यूनिट वन एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज द ह्यूमन बॉडी बेटा हमने इस लेक्चर में इस यूनिट की एक्सरसाइज को डिस्कस करना है और ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये आपकी बुक के पेज नंबर एट पर है ओके इसका पार्ट ए है एक्सरसाइज का कॉलम ए कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स एंड कॉलम बी कंटेन्स दीज टर्म्स मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड राइट दी करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो ओके मतलब हमने कॉलम ए में जो पॉइंट्स है ना उनको हमने कॉलम बी के साथ मैच करना है और ये जो नीचे ब्लैंक्स देख रहे हैं ना वन टू थ्री फोर फाइव इसके हमने मैच करने के बाद हमने यहां पे आंसर लिखने हैं ठीक है ओके फर्स्ट पॉइंट है अ टिश्यू डैट होल्ड्स टू आर मोर बोन्स टूगेदर एट अ मूवेबल ज्वाइंट अ टिश्यू डैट होल्ड्स टू आर मोर बोन्स टूगेदर एट अ मूवेबल ज्वाइंट कॉलम बी में जो फाइव ऑप्शन हैं वो हैं ऑर्गन लिगामेंट सेल स्केलेटन एंड टेंडन। अब आपका कॉलम ए का जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैच होगा बी के साथ डेट इज लिगामेंट ओके सेकेंड पॉइंट है आप फ्रेमवर्क ऑफ बॉन्स इन अ वर्टिब्रेट बॉडी मतलब जो बोन्स का फ्रेमवर्क है जो वर्टिब्रेट बॉडी में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं जो बोन्स का ढांचा होता है तो ये वाला सेकंड पॉइंट आपका मैच होगा डी के साथ गुड जॉब डेट इज स्केलेटन नेक्स्ट पॉइंट है अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन ये मैच होगा ए के साथ डेट इज ऑर्गन। फोर्थ वन इज शीट ऑफ टिश्यूज डेट अटैच अ मसल टू मैच होगा ई e के साथ डेट इज टेंडन जो आपका लास्ट पॉइंट है वो आपका बहुत ही इजी है फिफ्थ पॉइंट बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स ये मैच होगा सी के साथ डेट इज सेल गुड अब इसका पार्ट बी है फिल इन द ब्लैंक्स इसका फर्स्ट पॉइंट है अ बॉर्न इज एन एग्जांपल ऑफ अ डैश अ बॉर्न इज एन एग्जांपल ऑफ अ डैश हमने ये लेक्चर नंबर वन में बॉन की एग्जांपल को देखा था और लेक्चर नंबर वन में बेटा हमने सेल्स टिश्यूज ऑर्गन को डिस्कस किया था अब ये जो बोन की एग्जाम्पल है वो हमने इन तीनों में से कौन से पार्ट में देखी थी एक्सीलेंट डेट इज टिश्यू अ बॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टिश्यू सेकेंड पॉइंट है डैश मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स वेन पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी दैट इज हार्ट पॉइंट थर्ड है स्केलेटन इज फाउंड इन ऑल डैश एनिमल्स और ये वाला जो पॉइंट है ये अभी हमने कॉलम में भी डिस्कस किया है स्केलेटन इज फाउंड In all vertebrate animals. Okay. Fourth point hai, a place in a vertebrate's body where two or more than two bones meet together is known as dash. That is joint. Fifth point hai, the tissue that joins. टू बोन्स टूगेदर इज नॉन एज ये भी जो पॉइंट है अभी हमने कॉलम में डिस्कस किया है डेट इज लिगामेंट द टिश्यू डेट ज्वाइंट टू बोन्स टूगेदर इज नॉन एज लिगामेंट सिक्स पॉइंट है द ज्वाइंट विच मूव अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी ओनली इन वन डायरेक्शन इज नॉन एज डैश ज्वाइंट हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है वो जिस ज्वाइंट में है उस ज्वाइंट को हम कहते हैं हिंग ज्वाइंट डेट इज डैट इज हिंग ज्वाइंट गुड जॉब और वो बॉडी का पार्ट कौन सा था वो था एल्बो सेवन पॉइंट है बेटा द ज्वाइंट डेट कैन मूव अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन सर्कुलर डायरेक्शन इज नोन एज डैश ज्वाइंट मतलब वो बॉडी का कौन सा पार्ट है जो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है वो पार्ट है शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट और यहां पर आएगा बॉल एंड सॉकेट ओके एट पॉइंट है द स्टमक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश मसल्स। द स्टमक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफ स्मूथ मसल्स। नाइन्थ पॉइंट है मसल ज्वाइन हेल्प ऑफ अ टिश्यू ये भी अभी हमने कॉलम में देखा है कॉल्ड टेंडेंस लास्ट वाला पॉइंट है द कंबिनेशन ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम इज कॉल्ड मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का जो कंबिनेशन है उसको कहा जाता है मस्को स्केलेटल सिस्टम इस क्या इसको कहा जाता है मस्को स्केलेटल सिस्टम और ये हमने अपने लेक्चर नंबर वन में भी इसको डिस्कस किया था और इसके स्पेलिंग है एम यू एस सी यू एल ओ एस के ई एल ई टी ए एल राइट और ये थी आपकी इस यूनिट की एक्सरसाइज नाउ सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर